बचपन के बारे में मुझे पता चला कि आपकी माँ आपको रामायण और गीता ये सब सिखाया करती थी। आप अपने पड़ोस में जो है दिल्ली में रामलीला में किरदार करते थे, फिर आपने जी टीवी के रामायण में राम का किरदार भी किया, तो एक यात्रा राम से शुरू होकर बुद्ध की तरफ आई, क्या कारण रहे, क्यों आप बुद्ध की तरफ बढ़े? परिवार में मैं हिंदू परिवार में पला बढ़ा और बुद्ध के बारे में पढ़ा, मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला और मुझे लगा कि इस दुनिया में सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो एक अच्छा इंसान बनना है। हिंदू राष्ट्र रामराज तमाम तरीके की बातें हो रही हैं, भविष्य के तौर पे आप बुद्ध धर्म को, बौद्ध विरासत को क्या टकराव की तरह देखते हैं या लगता है कि हम लोग जो हैं सौहार्द के साथ में जो खतरा मंडरा रहा है उससे निपट सकें? हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे, चीज़ें अपने आप अच्छी होती हैं। तो कहते हैं दो लाइनें, अपनी लाइन बड़ी करनी है, दूसरी लाइन छोटी, ऐसे ऑटोमेटिक हो जाएगी। नमो बुद्धाय, जय भीम। द न्यूज़ वीक की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज एक खास मुलाकात में हमारे साथ मशहूर कलाकार, एक्टर, अभिनेता और आजकल धम्म की प्रचार में लगे हुए गगन मलिक साहब हैं। गगन मलिक साहब, ये जो वेश है, ये इसके पीछे क्या कहानी है, क्या आपका ये अभी कहें कि अनुभव रहा है, उसके बारे में बताएं जरा। नमो बुद्धाय, जय भीम। ये एक जर्नी है जो बहुत पहले मैंने शुरू की और मेरे जीवन का एक ही सपना है कि बाबा साहब का सपना पूरा करना, जो रिवाइवल ऑफ बुद्धिज़्म उन्होंने 1956 में शुरू किया था उसे पूरा करना, वो उसकी जो धम्म की जो गति है जो फैलाने की, वो बहुत ही कम है आज की तारीख में। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे ये कोशिश करनी चाहिए कि धम्म का प्रचार प्रसार भारत में बहुत अच्छे से हो, ताकि एक अच्छा और अच्छा सभ्य और इंटेलिजेंट जो है ये देश बन सके और पीसफुल हो सके, जिसके लिए मैं चाहता था कि मैं धम्म को और अच्छे से जानूं, जिसके लिए क्योंकि थाईलैंड बुद्धिस्ट कैपिटल है वर्ल्ड की, तो जितना धम्म अच्छे तरीके से वहाँ सीखा जा सकता है मुझे लगता नहीं है किसी और देश में सीखा जा सकता है। और जब आप एक भिक्षु के रूप में उसे सीखते हैं तो उसकी बात कुछ अलग रहती है, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है कि धम्म एक्चुअली में है क्या। तो वो सीखने के लिए मैं थाईलैंड गया, वहाँ पे मेरा ऑर्डिनेशन हुआ वट्टाथोंग टेम्पल में, और मास्टर हैं हमारे राजा बुराय नाना सोम्फोन, जिन्होंने मुझे दीक्षा दी। और वो लेने के बाद मेरा एक और मिशन है कि मैं चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं 84,000, वो जो है पूरे भारत में जाएँ, क्योंकि जब बुद्ध पहुँचेंगे तो मैं मानता हूँ कि उनका धम्म भी वहाँ पहुँचेगा। अशोका ने 84,000 स्तूप बनाए थे, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनके नक्शे कदम पर चल के एटलीस्ट 84,000 मूर्तियाँ तो दान करने की कोशिश कर सकता हूँ अगर स्तूप आने। इस दौरान में होता ऐसा है कि मैंने 15 दिन के लिए सोचा था मैं भिक्षु बनूँगा, लेकिन थाईलैंड में लोगों का इतना प्यार मिला कि मैं जो वहाँ की महासंघ है वो अभी ये कह रहे हैं कि आप जितना समय रह सकते हो, बार बार मौका नहीं मिलता जीवन में, आप रहो और सीखो, जितना सीखोगे उतना अच्छा है। लोगों ने बहुत सारी मूर्तियाँ भी दान की हैं। जब मैंने ये बात कही कि बाबा साहब का ये सपना है रिवाइवल ऑफ बुद्धिज़्म का जो हमने करना है और आगे से पूरा बौद्धमय भारत करना है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई और आप मानेंगे नहीं, बुज़ुर्ग लोग, बड़े छोटे, सब लोग अपनी शुभकामनाएँ देने, मूर्तियाँ देने, हमारा साथ देने के लिए आगे आए हैं। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारे बुद्धिस्ट लोगों के ऊपर, कि हम एकता के साथ कैसे काम कर सकते हैं। हमारा जो ड्रॉबैक रहा है वो यही है कि हमारे में एकता कम है। सब लोग चाहते अच्छा हैं, लेकिन जब कोई एक अच्छा करना चाहता है तो उसको खींचने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन अगर हाथ से हाथ मिलाकर चलेंगे, अच्छी गाइडेंस के साथ चलेंगे, अब बड़े बड़े भंते, ज्ञानी भंते जो हैं जिन्होंने धम्म को अच्छे से पढ़ा है, वो हमारे साथ हैं हर तरीके से, तन मन धन सबसे साथ हैं, लेकिन अब हमारे बुद्धिस्ट लोगों को एक साथ होना है। वो जब होगा तो मुझे लगता है कि हम आगे बढ़ेंगे और बौद्धमय भारत बनाने का जो सपना है उसे साकार करेंगे। तो अब वहाँ से मैं आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ एक बार बोधगया जाएँ, वाराणसी जाएँ, कुशीनगर जाएँ, मुंबई जाएँ, नागपुर जाएँ, इंदौर जाएँ, बाबा साहब की दीक्षा भूमि में जाएँ, उनके जन्म स्थान पर जाऊँ, इन सब जगह आशीर्वाद लूँ, ताकि मुझे एक नई ऊर्जा मिले और मजबूती आए। आज थाईलैंड पूरा मेरे साथ है और धीरे धीरे
जो हमारे देश के बुद्धिस्ट भी हैं वो भी मेरे साथ दे रहे हैं और मुझे लगता है कि कामयाबी ज़रूर मिलेगी। थाईलैंड में श्रामनेर पबज्जा का शिविर कैंप लिया है, उसमें क्या कुछ सीखा बुद्ध के बारे में, जो धम्म है उनकी शिक्षाओं के बारे में क्या कुछ नया अनुभव वहाँ से सीखे? देखिए पहली चीज़ तो बहुत ज़रूरी है, देखिए जब धम्म की बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं कुछ पहले से जानना करना। अगर मैं यहाँ धम्म की बात करूँगा तो बात लंबी चली जाएगी, है ना। प्रेजेंट में जीना सबसे इम्पॉर्टेंट है, माइंडफुलनेस के साथ। सती समाधि और पन्या, ये सबसे इम्पॉर्टेंट तीन चैप्टर हैं बुद्धिज़्म के। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, समाधि करते हैं, तो सती डेवलप होती है। माइंडफुलनेस जब होती है, कॉन्टीन्यूसली आप माइंडफुल रहते हैं, तो विजडम आता है, और जब विजडम आता है तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है, आप सही इंसान बनते हैं, सही राह पर चलना शुरू होते हैं और धीरे धीरे निर्वाण की ओर बढ़ना शुरू होते हैं। इसको और बड़े से मैं समझा सकता हूँ लेकिन अभी समय की कमी है। अब धम्म की बात करें, बुद्ध का धम्म क्या सीखा है? बुद्ध का धम्म तो बहुत बड़ा है, जितना मैंने आपको छोटे से इसमें बताया, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं अगर हम बात करेंगे। फुर्सत से हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे। हाँ, ये धम्म टॉक होनी बहुत ज़रूरी है। जो इम्पोर्टेंट मैं चाहता हूँ, जो मैसेज आना चाहिए, भिक्षुओं का सम्मान कैसे करना है वो हमें सीखना है, एक बुद्धिस्ट डिसिप्लिन में कैसे रहता है वो हमें सीखना है। यहाँ पर उस चीज़ की मुझे बहुत कमी दिखती है, और नए मंक्स और बनने चाहिए, ऑर्डिनेट होने चाहिए भिक्खु, वो कैसे होंगे वो सीखा है। कल्चरल आदान प्रदान कैसे हो कि भारत से थाईलैंड जाएं, थाईलैंड से कुछ लोग इधर आएं, नए भिक्षु बने जो बुद्ध का धम्म फैलाएं, इस पर काम करना है, ये बहुत ज़रूरी है। मलिक साहब, आपका बारे में मैं जब स्टोरी के लिए मैं आ रहा था तो मैं बहुत सारी रिसर्च कर रहा था। आपके बचपन के बारे में मुझे पता चला कि आपकी माँ आपको रामायण और गीता ये सब सिखाया करती थी। आप अपने पड़ोस में जो है दिल्ली में रामलीला में किरदार करते थे, फिर अपने जी टी वी के रामायण में राम का किरदार भी किया, तो एक यात्रा राम से शुरू होकर बुद्ध की तरफ आई, क्या कारण रहे, क्यों आप बुद्ध की तरफ बढ़े? परिवार में मैं हिंदू परिवार में पला बढ़ा, और क्या कहते हैं, जो राम का किरदार मिला वो एक उनका मानना था, एक छवि ऐसी, एक शांत स्वभाव के थे राम, और फीचर्स उनके जैसे थे, तो वो एक एज एन एक्टर जो मेल मिलाप होता है उसमें बहुत मिला। और जब भी मैं कोई किरदार करता हूँ तो उसके बारे में पढ़कर उसे स्टडी करके अच्छे से करता हूँ, मुझे अच्छा लगा वो किरदार किया मैंने। और बचपन में बहुत बार रामायण की, रामलीला में भी राम करता हूँ, वो मेरा काम है, मेरी जीविका है एज एन एक्टर। लेकिन जब मैंने श्री सिद्धार्थ गौतम फिल्म की, श्रीलंका की, और बुद्ध के बारे में पढ़ा, मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला, और मुझे लगा कि इस दुनिया में सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो एक अच्छा इंसान बनना है, उसमें सुपरस्टिशन की या और जो जिसे कहते हैं कि ब्लाइंड फेथ की उन जगहें नहीं है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है बुद्धिज़्म, और जिसे मैं इंस्पायर हुआ, और मैं श्रीलंकन में मैंने बौद्ध धर्म को अपनाया, और उसके बाद मैंने सोच लिया कि अगर मुझे कंप्लीट बुद्धिस्ट बनना है तो मुझे धम्म का प्रचार प्रसार करना ही होगा, तो इसलिए मैंने बौद्ध धम्म अपनाया। जैसे ही मैंने वो फिल्म की और पढ़ा, मुझे लगा इससे बड़ा खजाना इस दुनिया में और कोई नहीं है। क्योंकि आपके पास समय की कमी है तो एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ छोटा सा। अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, बुद्ध के धम्म संदेश की बात करते हैं, लेकिन वर्तमान भारत की जो राजनीति है वो एक खास विचारधारा की तरफ जा रही है जिससे हमारा लगातार टकराव होता है। हिंदू राष्ट्र, रामराज, तमाम तरीके की बातें हो रही हैं, भविष्य के तौर पे आप बुद्ध धर्म को, बौद्ध विरासत को क्या टकराव की तरह देखते हैं, या लगता है कि हम लोग जो हैं सौहार्द के साथ में जो खतरा मंडरा रहा है उससे निपट सकते हैं? हमें अपने काम की तरफ देखना है, तो दूसरा क्या कर रहा है उसके बारे में अभी नहीं सोचना है। अगर आपका माइंड प्योर है, आपका दिल सच्चा है, आप सच्चे मन से जो काम करना चाह रहे हो तो आप सक्सेसफुल होगे ही होगे, जीत आपके कदम चूमेगी। अगर हम इसमें हेट्रेड और जेलेसीज में चले गए कि वो ऐसा कर रहा है तो हम ऐसा करेंगे, इसने ऐसा किया तो ऐसे किए, तो वो बुद्धिज़्म नहीं है। बुद्धिज़्म इन चीज़ों से परे होना सिखाता है। हम बुद्ध के धम्म की बात करेंगे और बाकी जो है राष्ट्र पर छोड़ेंगे कि उनको शांति का मार्ग कौन सा दिखता है। हम अपना काम करेंगे धम्म बांटने का, प्रोपोगेशन ऑफ धम्म, जो बुद्धा की टीचिंग्स हैं वो आपको एक अच्छा इंसान बनाती हैं। वो आप भले हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, आप बेहतर हो, इंसान हो जाएंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन से धर्म के हैं। तो उसका प्रचार प्रसार हमें करना है और उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। हम जो बुद्ध की टीचिंग्स हैं
बुद्धिस्ट और नॉन बुद्धिस्ट सबके पास लेके जाने की कोशिश करेंगे, वो सपना है। तो मुझे लगता है कि इन टकराव में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने अपना काम करना है। हम अपना काम करेंगे, चीज़ें अपने आप अच्छी होती हैं। तो कहते हैं दो लाइनें, अपनी लाइन बड़ी करनी है, दूसरी लाइन छोटी, ऐसे ऑटोमेटिक हो जाएगी। थैंक यू सो मच, बहुत साधुवाद आपने हमसे बात की। आप लोग एक बड़ी ताकत हैं, आप जब देश विदेश तक ये चीज़ें लेके जाते हैं तो भी इसे भी मैं एक तरह का प्रचार प्रसार कहता हूँ, जो भी एक अच्छा बुद्धिस्ट होने का प्रूफ देता है। बहुत बहुत मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने मेरा इंटरव्यू लिया और मेरी बात लोगों तक पहुँचाई। और आप कभी फुर्सत में बैठेंगे तो लंबी चर्चा करेंगे। गगन साहब की फ़्लाइट है तो वो अभी जाने वाले हैं। इस चर्चा पर गगन साहब ने जो बातें बताई हैं धम्म के बारे में, उस पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद करें मेरे सहयोगी मोहित। फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। नमो बुद्धाय, जय भीम।